Good morning, kids. Good morning, sir. How are you? I'm fine, thank you. आज हमने ये वाली एक्सरसाइज करनी है नेम्स इन एन ऑर्डर. आदिल ने क्या करना है, आदिल एक बच्चा है और जो नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं वो इन नामों को क्या करना चाहता है, एक सीरियल में लिखना चाहता है. मतलब जो नाम ए से शुरू होगा वो पहले, फिर उसके बाद बी सी डी और कहाँ तक, ठीक है, समझ आ गया. Yes, sir. तो अब देखो यहाँ पर कितने नाम्स लिखे हुए हैं, ये कितने नेम्स लिखे हुए हैं, 13 देखो, 4 or 4, 8 or 5, 13, ठीक है, 13 नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं. अब देखो सबसे पहले नाम हमने कौन से अल्फाबेट से शुरू करना है, A. तो क्या है, कौन सा है, आदिल. आदिल, ओके, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1, फिर B. बाईचुंग, 2, फिर C. सी वाला है नहीं, फिर D. डी वाला भी है नहीं है, फिर E. ई वाला है, yes, sir. ओके, एक बच्चा दिखाएगा, फिर एफ, एफ है, जी, गुरिंदर, ओके, फिर एच, फिर आई से नहीं है, फिर जे, फिर के, फिर एल भी नहीं है, फिर एम है, हाँ एम है, एम, फिर एन भी है, एन भी है, एम भी है, ओ नहीं है, पी भी नहीं है, क्यू है, आर, राजू, एस, एस है, टी, है, यू, अब तो एक ही बचा है, तब तो वही आएगा ना, यू वी है नहीं, डब्ल्यू है, फिर एक्स वाई जेड है नहीं, क्लियर हो गया, समझ आ गई. ऐसे ही हम अपनी क्लास के बच्चों के नाम भी कर सकते हैं कि जिसका नाम ए से शुरू होगा. अब माना दो बच्चों के नाम ए से ही आ गए, फिर क्या करेंगे, आदि, हाँ जैसे हमारे पास एक दो नाम आ गए, अब इसमें देखते हैं क्या होता है. जैसे आदि आ गया और आकांक्षा, अनिकेत, आरिफ. अब देखो इसको कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ आपको. इसमें सबसे पहले हमने ए वाला देखना है, अब सबके नाम ए से आ रहे हैं, इसका मतलब इससे पता नहीं चल पाएगा. फिर उसके बाद दूसरा वाला देखना है, देखो ए ए एन ए, इसका मतलब अनिकेत तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसके नाम में क्या आ गया है, एन, इसका मतलब अनिकेत तो नहीं आएगा सबसे पहले, ठीक है. अब हम दूसरा भी हमने चेक कर लिया, दूसरे में भी, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है, इसमें भी ए आ रहा है. अब देखो इसमें डी आ रहा है, इसमें के आ रहा है और इसमें आर आ रहा है, तो अब कौन सा आएगा पहले, डी, डी वाला पहले आएगा ना, फिर कौन सा आएगा, के वाला आएगा कि आर वाला आएगा, के वाला आएगा और फिर आर वाला आएगा. सबसे पहले आदि आएगा, फिर आकांक्षा आएगा, फिर आरिफ आएगा, लास्ट में निकेत आएगा, समझ गए. जब पहले वाले से पता नहीं चलता तो दूसरा देखते हैं, जब दूसरे वाले से भी पता नहीं चलता फिर तीसरा वाला देखते हैं. ऐसे ही अगर तीसरा वाला भी सेम हो जाएगा तो फिर चौथा वाला देखेंगे, क्लियर है. अब देखो इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, जलज इज प्राउड टू हैव अ स्पेशल नेम, ही सेज इफ यू रीड इन बैकवर्ड्स इट इज स्टिल द सेम. अब देखो एक बच्चा है जिसका नाम जलज है, जो छठवें नंबर पे था, इसको चाहे तुम उल्टे से पढ़ो चाहे सुलटे से पढ़ो, ये एक जैसा ही है. अब देखो यहाँ से भी जे ए एल ए जे है, यहाँ से भी जे ए एल ए जे है, तो उसका नाम ऐसा था जो दोनों तरफ से पढ़ के एक जैसा ही होता है. अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, अब इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि उल्टा सुलटा पढ़ने पे एक जैसा है. देखो ये वाला, कौन सा, के वाला, एक के वाला और एक और भी नहीं है, यहाँ से कहा, यहाँ से एच ए आर एस एच, यहाँ एच एस है, हाँ ये वाला अन्ना. अब देखो अन्ना ई डबल एन ए, यहाँ से भी ई डबल एन ए, ठीक है, बस बाकी इतना ही. अब यहाँ से तो एम से शुरू हो रहा है, ये ए से शुरू हो रहा है, ये तो है नहीं, ये ओ से शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है, ये एच से शुरू हो रहा है, एस से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ ए है, यहाँ एस है, इसका मतलब ये भी नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गई है.